किसान भाइयों, आज मैं समोली गांव में हूं और यहां बहुत बड़ा खेत घिया का है। घिया बोलते हैं लौकी। लौकी घिया। और ये हमारे किसान भाई हैं जो इसमें मेहनत कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, जैसे आप ये लगा रहे हो, ये कितने दिन से कर रहे हैं इस काम को? ये हम जी कर रहे हैं 8-10 साल से कर रहे हैं जी। अच्छा, कभी नुकसान नहीं? कुछ नहीं, मेहनत? अभी नुकसान नहीं है जी, बस मेहनत करते हो? बस मेहनत है। तो हर साल ये नए नया तरीका अपनाते हो या एक साल बस? देखो जी, हम तो जाल की बोए जी। अच्छा, जाल पे ये लगा गए? हाँ, जाल पे बोते हैं। जाल में तो रेट से ही मिल जाओ। दाग नहीं लगता? एक दाग नहीं लगता, साफ सुथरा लौक ही रहे। और जो धरती पड़ा रहे उसमें दाग आ जाए? उसमें दाग आ जाए, बारिश पड़ते गलना शुरू हो जाओ। और उससे ये मान लो जी आप, उससे डुडे रेट रहे इसके। ये सफा रहे ना? अगर वो 100 रुपए की पन्नी जा रही है तो 200 की पन्नी जा रही है। अच्छा, यू कैसा कटिंग करा आपने? यो तो हमने खुरपे से काट दी। पत्ते काटे या फुटेर भी? नहीं नहीं, नीचे की फुटेर भी काट देना, क्योंकि ऐसा ना नीचे की फुटेर ऊपर की बेल की जान खींच लेगी। कुछ नो बता, मैं 3G 4G कटिंग होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है? अजी कुछ नहीं, हमें तो हम तो 3G 4G हम तो करते नहीं, हम तो देसी हथियार चला रहे हैं। हाँ भाई, हेलो काट लो, बस तो 3G 4G इसी में कटगी बस। बस अब ऐसा जो पहला पत्ता होता रहेगा उसे काटते रहेंगे बस। अच्छा अच्छा, पहला पत्ता तो काटना पड़ेगा। आपने इसकी प्योत बोई थी या डायरेक्ट बीज बोया? डायरेक्ट बीज। एक बीघे में कितना लग जाओ? एक बीघे में लगता है ये एक पैकेट। एक पैकेट कितने का जाओ? ये एक पैकेट है जी 160 रुपये का। ये बीज का नाम क्या था? अंकुर 158। अंकुर 158। ये धारी वाला था? कैसा था? नहीं, बिना धारी वाला है ये, तो लंबा फल आ रहा है ना ये। अच्छा अच्छा अच्छा, फल देख लो बस ऐसा है। तो इसका अच्छा रेट मिलता है? रेट अच्छा है भाइयों। अंकुर 158 बीज है जिसको सबसे नंबर वन है। इसकी ये खूबी है कि पन्नी में बिल्कुल सही बैठता है, अच्छा, ना बाहर निकलता, अच्छा, ना छोटा रहता। साइज सही है बिल्कुल। साइज बिल्कुल इतना बढ़िया कि पन्नी बिल्कुल फिट बैठता है। अच्छा, तो ये अपना कौन सी तारीख में बोया था? ये बोया था जी हमने पिछली 4 तारीख को। आलू खुदने के बाद या आलू के? आलू तो हम बोते नहीं। अच्छा, इसमें क्या था पहले? इसमें सरसों थी। अच्छा, सरसों के बाद में? सरसों के बाद में 4 अप्रैल को हमने। 4 अप्रैल को? 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को। अच्छा अच्छा, अब इसमें लड़ाई कर रहे हो? अब लड़ाई कर रहे हैं, तो मट्टी चढ़ा देंगे। बीच में ट्रैक्टर कटवाओगे? नहीं कटवाओगे, जरूरत नहीं कटवाने की बीच में। हाँ, बीच में तो ऐसा हम जोते से या तो कल्टीमीटर निकाल देंगे या स्प्रे या घास फूकने की स्प्रे कर। अच्छा अच्छा, तो ये जाल पे कितना खर्चा आ गया इसमें? जाल में आ जाइए 6-7 हज़ार रुपये बीघा का जाल का खर्चा आ जाएगा। अच्छा अच्छा, लेकिन इसमें यह है कि जाल का जितना खर्चा आ रहा है, अगर 2 तोड़ सही बैठ जा तो जाल का खर्चा एक तरफ। तो ये कब तक रहेगी? अब जाए अब ये चलेगा जी 10 हज़ार से बात है। अक्टूबर लो किसान भाइयों, 4 अप्रैल का बोया हुआ है। और जो मेरे भाई शुरू हो गया गन्ने के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, वे थोड़ा सा हटे हैं, क्योंकि जिसका गन्ना फैक्ट्री में जा रहा है वो तो चलो फिर भी लाम पेट भी रोबर है, प्रॉफिट तो है नहीं उसका, खर्चा ना, 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 ना। लेकिन जिस बेचारों का कलेश्वर पे जा रहा है 200 रुपये भाव, वो तो बिल्कुल ठोड़ मर रहा। वो तो ये साग सब्जी का काम कर ले, अगर नहीं जानता किसी बटाईदार को पकड़ लो यार, ऐसा का बिल्कुल ही। हाँ नहीं, सही बात है, ऐसे तो बहुत आदमी है, पर कुछ हमारे किसान भाई आलसी हो गए, बस करेंगे अपने आप ही चाहे घाटा रह जा। कुछ तो ऐसे भी है मेरे यार, बुरा ना मान जा, कलेसर पर गांडे गिर खाऊंगे, अखरे मंदे मन से एक पौवा लगा के चले आवा। हाँ, ऐसे बहुत किसान है, मैं जानू मेरे गाँव में, मैं दूसरे गाँव की क्या कहूँ। और उससे उधार ले लेंगे थोड़े बहुत पैसे, उसे पीते खाते चले जाए घर के, जाओ साढ़े भाड़ में, उनका कोई फिक्र नहीं है। तो भाई ऐसा छोड़ काम ना करें, परिवार जो है तुम्हारा वो तुम्हारे पीछे है, उनके भविष्य की सोचो। अगर रेट इसका सही सा मिल जा तो 104 गुना रेट देते जी। बताइए, आपने अभी इन्होंने कहा 5 महीने की फसल, 5 महीने में गन्ने से 5 गुना 4 गुना ज्यादा पैदावार देती है ये। मैं इनके मुँह से यानी कि 4 बीघे का लौकी अगर सही रेट बैठे 2 लाख रुपये को उतर जाए जी। बताइए ये मान लो। तो किसान भाइयों, अच्छा बीज है, बीज का नाम क्या बताया था? अंकुर 158। आप इस बीज को नोट कर लें, ये कहाँ मिलेगा? कहीं मिल जाएगा ये? तो कहीं भी मिल जाएगा, हर शहर में। हाँ, जरा मेरठ में, कोठला में जैन साहब की दुकान है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, जैसे आपने तैयार करवा दिया खेत, हाँ जी, ये डोल निकाल दी, हाँ जी, इसमें पड़े करते हो पहले सूखे में? ऐसे सूखे में चोप का तुरंत पानी दिया, पानी दिया जाएगा, फिर इसमें उल्टा लगाया जाओ। अच्छा, वो जो चौंसी है वो तले तले? अच्छा, ये उल्टा जमा है? उल्टा जमा है भाई, ये उल्टा बोना पड़ता है। और ये लगा लो कम से कम डेढ़ मीटर पे बीज है इसका। हाँ, 1.5 मीटर में है जी, चोपना पड़ेगा। और निराई करते रहो टाइम पे और समय पे तोड़ाई करते रहो। हमने जो बोया था जो इतनी दूरी पे बीज बोया था जी। अच्छा, यानी कि एक कदम की दूरी पे दो और हमने यूं बोया था, कभी मतलब जामने में दिक्कत विक्कत होने लगे तो बेल तो ऐसा जब सही हो जाएंगे हमारी पाड़ दो फालतू, हमने दो बेल पाड़ रखी बीच में से। पाड़ खत्म करी या अलग बोदी? नहीं नहीं, बिल्कुल अलग पाड़ के, अलग बाहर फेंक दी खेत से। अगर पहले छिद्दा बोते तो कम रह जाता? कम रह जाता। हम बांस से बांस की दूरी में 3 या 2 पेड़ रखते हैं, अब देख लो 3 है।
हाँ भाई ये देखियो, दो तीन दो इस बांस की डोरी में कुल तीन पेड़ हैं टोटल, तीन पेड़ तीन दो तीन दो तीन दो। अच्छा उसमें एक कम रह गया, एक कोई बात नहीं उसमें कोई कम रह गया, इसमें ज्यादा हो गया, सब फैल जाएगी, जितना छिद्दा होगा उतना बेल ज्यादा फैल। अच्छा इसमें आप खाद कौन सा इस्तेमाल करते हो? बस खाद तो जब इसमें जाता है जाइम और डाई लगाते हैं बस। कितने बीघे की ये मान लो, मैं जैसे हमारा जो चार एक बीघे है तो हम इसमें चार धड़ी डाई एक बार में, और मूठ मारो बखेरो नहीं भरे में। अच्छा भरे में घेरते हो? हाँ भरे में घेरते हैं, सारे खेत में लगा, ऐसा क्या फायदा होगा। हाँ भरे में बखेरते चले जाओ, दोनों माई को पानी सोखता रहे। हाँ हाँ वो अपना आप खींचता रहे। और जाइम? जाइम। इसके बाद में यूरिया वगैरह? यूरिया कोई नहीं, यूरिया से मोड़ जाता है बेल पे। भाइयों यूरिया मत लगाना, उससे मोड़िया एक रोग होता है जो आता है, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। और स्प्रे कौन सा करते हो? स्प्रे करते हैं, ये हम स्प्रे तो करते हैं थाइनेट मिथाइल, जो गलन रोकता है, गलन रोकने के लिए थाइनेल थाइनेट मिथाइल मिथाइल ये गलन रोकता है, और एक सौंफ लगाते हैं। अच्छा और भाई एक फल फूल की, बस ये दो तीन दवाई लगे जाते हैं। फल फूल की दवाई आती है? फल फूल की दवाई आती है, फल फूल बढ़ाने की या रोकने की? नहीं फल फूल मतलब रोकने की, तो वो थाइनेट मिथाइल। अच्छा मैंने सुना कहीं जो भैंस का दूध काटना है वो इंजेक्शन लगा दे घी में, क्योंकि एक रात में एक मीटर लंबा हो जाए। कुछ नहीं है, मैं तो मैं भी अच्छा बकवास है सभी। देखो वो रवा, अच्छा देखो वो लटक रहा। हाँ दिख गया दिख गया दिख गया, ये जो था परसों इतना सा था। अच्छा इतना सा अभी यहाँ जा लिया, और मैं तुम्हें एक एक पर है लो कि उसका चौथा दिन आज उसे हो सके आज काटने का नंबर आ रहा हो। हाँ मतलब आगे पीछे बढ़ते चले जाओ। हाँ तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं, वो तो सब जैसा भी ये बेल बढ़ती जाएगी फिर भी लगाओगे डोज? अब जरूरत नहीं इसमें? नहीं डोज लगती रहेगी कंटिन्यू, आठवें दिन स्प्रे होनी होनी। अच्छा स्प्रे यूँ करते रहोगे ऊपर? हाँ, और नीचे जो डाल रखो वो? नीचे तो भी है अब दीदी, फिर एक महीने की छुट्टी पे खाली पानी दिया जाओ। अच्छा और जैसे कूड़िया खाद भी डाला था नहीं पहले? कूड़िया खाद डाला था पहले ही। हाँ पहले डाला तो, काफ़ी पहले डाला तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कूड़िया। अच्छा अच्छा यूरिया नहीं डालना बिल्कुल? यूरिया नहीं, यूरिया तो ऐसा कभी कभार मान लो बेल को वो देनी है मैं, चलो हरियाई आ जाएगी बेल पे, और हल्का सा यूरिया लगा, हल्का सा वो उसकी जड़ से अलग गिरना पड़ता होगा? नहीं गिरना भरे में पड़ेगा तो अपना आप खींच लेगा। चुट्टी मतलब चार बीघे में कितना बतेरा धड़ी भर? दो धड़ी यूरिया, दो धड़ी यूरिया चार बीघे में लगा लो, हल्का हल्का नू चले जाओ चुट्टी से बखेरते हुए खुद में, बस यूँ गिरते चले जाओ बस। बहुत बढ़िया, हाँ देखो भाइयों कितना सुंदर फल है। और ऐसा ये मान के चलो कि जैसा कि हमें कैल्शियम की कमी दिखाई दे रही। हाँ कैल्शियम का पता कैसा लगेगा? टिड्डा तो, बता देना कैल्शियम मांग रहा, मतलब सुकन सी आ जाओ। अच्छा सुकन सी आ जाओ तो हम तुरंत इसकी ट्रंचिंग करेंगे। ट्रंचिंग क्या हो? ट्रंचिंग जो है स्प्रे मशीन का शुद्ध नोजिल करके और यहाँ जड़ में मारेंगे इसकी स्प्रे। स्प्रे वो खाली पानी या कैल्शियम? अच्छा कैल्शियम या क्या? कैल्शियम कॉपर, कॉपर कॉपर का बाजार से मिलता है। हाँ 25 ग्राम पर टंकी। अच्छा तो वो इसकी 25 ग्राम पर टंकी इसकी जड़ों में लगाते हो? हाँ धार मारेंगे जरा जरा देहाती मारा जरा आदमी पेशाब कर रहा। अच्छा तो वो इसकी जड़ में पहुंच जाएगा, वो जड़ में पहुंचने में तुरंत ताकत मिलेगी। तो कितनी कितनी देर तक लगाओ रखो उसे? पर जिससे मतलब चार तरफ फैल जाए, फिर अगले पे चले जाओ, फिर अगले पेड़ पे चले तो एकदम थोड़ी देर पीछे कलर आ जाएगा, अगले एक दो दिन में कलर दिखाने लगेगा पेड़। भाई देखो कितनी काम की बात है कोई नहीं बताता। और इसके बाद में और थोड़ी खास जानकारी बस जान गए थे भाई, बिल जैसा फल आने लगे पूरा तो उसमें भी कोई ताकत चाहिए नहीं इन्हें? हाँ देखो एक बात, जब किसी चीज़ का फल आ रहा है वो टूट रहा है तो उसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा ध्यान तो रखें? उसमें जो है तुरंत फिर मतलब दो तीन उसके बाद। अच्छा एक चीज़ हो रहा है इसमें कि अगर हमारा घिया यूँ घूम रहा है, अच्छा मोड़ ले रहा, हाँ तुरंत बोरोन का स्प्रे करो उस पर। अच्छा जो जरा बैंड सा ले जा? हाँ बैंड ले जा तो उस पर बोरोन का स्प्रे करो, फल तुम्हारा शुद्ध हो जाएगा, फिर वही फल शुद्ध हो जाएगा, वही फल शुद्ध। भाई ये सुन लो बोरोन तो ये कितनी बतेरी होगी बोरोन? बोरोन भी वही 20-25 ml पर टंकी, पर टंकी। हाँ। तो, अच्छा ये हर जगह मिल जाती है? ये हर जगह मिल जाए, लेकिन ये फल को शुद्ध करने के काम आ रहा है। भाई वाह, अगर वो ना मुड़ रहा हो तो ना गिरे? ना फिर कोई टेंशन नहीं है। भाई लोगों कितनी बढ़िया बात बताई इन्होंने, देखो बहुत अच्छी बात है। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मैं किसान भाइयों को कुछ बात बताना चाहता हूँ, आप बिल्कुल दिल खोल के बताना, कुछ छुपाना मत। यानी बहुत से मेरे किसान भाई ऐसे हैं खेत में खाद डाल लेंगे, साड़ी को पन्नी को मट्टी में दाब दें। हाँ, हाँ, नहीं सोचे पर दुनिया में मैं ही रहूं दूसरा कोई रहे ही ना। हाँ, हाँ, ऐसे ऐसा नहीं भाई, अपना एक दूसरे का दुख दर्द शेयर करो तो ये विवाद ही खत्म हो जाएंगे दुनिया के। हाँ, एक भाई हमारा माइनस में जा रहा है, अगर हम उसकी मदद करते हमारा क्या जा रहा है? नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है भाई, आत्मिक हमें संतुष्टि मिलेगी, वो भी दुआ देगा बेचारा। सलाह देने में कोई नुकसान नहीं है। तो दोस्तों मेरी बात, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक करना। इन भाई का मैं धन्यवाद देता हूँ। आपका शुभ नाम क्या जी? मेरा नाम ओमकार सिंह जी। ओमकार सिंह गाँव समोली, समोली गांव के हैं ओमकार सिंह, जिला मेरठ। हाँ अगर आप मिलना चाहें फ़ोन नंबर तो मैं इसलिए दूंगा, आप इन्हें तंग कर दोगे फ़ोन करते करते, ये खुरपी धर देंगे, सारी बातों में लगे रहेंगे। आप दोराला से चलो लावड़ की तरफ, यहाँ ये भट्टा है,
जगह कौन सी है? नहीं नहीं ऐसा पूरे 2 किलोमीटर चलो, 2 किलोमीटर पे ही खेत खड़ा है। अच्छा दोराले से पूरे 2 किलोमीटर पे लावर रोड पे 2 किलोमीटर पे बाएं हाथ पे इस पे बोर्ड लग रहा है 2 किलोमीटर। हाँ 2 किलोमीटर का बोर्ड लग रहा है और वहीं इनका घिया का खेत है, चमक जाएगा आपको। आप आके मिल लें इनसे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा भाई नमस्कार, ये देखिए कितनी सुंदर इनकी बेल खड़ी है और कितना अच्छा नज़ारा है। भाई लोगों ये काम आप भी कर सकते हैं, गन्ने को छोड़िए, गन्ने की राजनीति बहुत गंदी हो गई है, सरकार तरक पलट रही है, इस गन्ने के चक्कर में लोग बुराई दे रहे हैं। अगर गन्ने का भाव नहीं बढ़ा तो सरकार को खरी खोटी सुनाते हैं, बाकी काम बढ़िया करा, गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया सरकार ने। अरे भाई बहुत कुछ देखना है, तुम इसकी राड़ी तो काट दो गंडे की सब्जी। बोलो दोस्तों बात अच्छी लगी हो तो लाइक करना। नमस्कार।